हैप्पी दिवाली आप सभी को। तो आज की इस वाली वीडियो में हम कुछ ऐसे शेप्स ड्रॉ करेंगे, तो वो हम करेंगे पायचाम में। ये एक पायथन प्रोग्राम है, इसका डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो शेप्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले कुछ कोड लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके कुछ बेसिक लाइंस ऑफ कोड देख लेते हैं। तो अगर हमें कुछ भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना है तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे इम्पोर्ट, और यहाँ पर हम लिखेंगे टर्टल। और अब हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे और हमें यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करना है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे एस इज इक्वल टू टर्टल डॉट कैपिटल एस स्क्रीन। नेक्स्ट लाइन टी इज इक्वल्स टू टर्टल और डॉट यहाँ पे कैपिटल टी टर्टल, और इसके बाद ये ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स फंक्शन साइन होती है। तो अब हम आएंगे नेक्स्ट लाइन में और यहाँ पे हम लिखेंगे टी डॉट फॉरवर्ड, और इसको मैं कर दूंगा 100। तो हम कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोड कर रहे होते हैं या हम कोई भी टर्टल के साथ कोई भी कोड कर रहे होते हैं, हमेशा कोई भी कोड रन करने से पहले यहाँ पर हमें लिखना होता है टर्टल डॉट डन, और इसके आगे ये फंक्शन साइन लगाना होता है। और अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर हमारी एक लाइन प्रिंट हो गई। तो हमारी नेक्स्ट लाइन है टी डॉट लेफ्ट, तो इसमें हमें डिग्रीज डालने होते हैं, जैसे 90, 45 और भी जो डिग्रीज होते हैं। तो अब मैंने इसे रन करा तो यहाँ पे हमारा जो ये पॉइंटर है ये रोटेट हो गया 90 डिग्री। और अब अगर मैं इसके आगे फॉरवर्ड लगा दूँ और अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे एक हाफ स्क्वायर टाइप से बन गया। और हमारी लास्ट स्टेटमेंट है टी डॉट राइट, इसमें भी हमें सेम डिग्रीज ही डालने होते हैं। तो इसको भी मैं सेम फॉरवर्ड लगाऊंगा और अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे एक zigzag पैटर्न बन गया। तो अब हम यहाँ पे इतने कोड को डिलीट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट शेप होगी स्क्वायर। स्क्वायर बनाना सिंपल है, उसके लिए हमें बस इसी कॉपी करना फॉरवर्ड लेफ्ट को, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। हमें इसको बस चार बार कॉपी करना है और पेस्ट करना है। तो अब अगर मैं इसको रन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारा ये एक स्क्वायर बन गया। अब हम बनाएंगे हमारे सेकंड शेप। तो इसमें हम अलग अलग टैब बना सकते हैं जैसे हम ब्राउजर में कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा फाइल में और यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे न्यू। तो यहाँ पे कैसा इंटरफेस आता है तो हमें अब चूज़ करना है पाइथन फाइल। तो हमारी सेकेंड शेप होगी रेक्टेंगल, इसकी स्पेलिंग सही है नहीं वो मेरे को पता नहीं। तो इसमें भी हमें ये सेम कोड करना है, बस इसमें थोड़ी सी और चेंजेस होंगे। तो यहाँ से मैंने कर दिया सब पेस्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा वाले फॉरवर्ड लेफ्ट, तो इसमें हम यहाँ पे ये फॉरवर्ड लेफ्ट कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे एक और बार ही पेस्ट करेंगे। अब इसके बाद हम एक और फॉरवर्ड लगाएंगे लेफ्ट के बाद, और एक और फॉरवर्ड लगाएंगे। अब हम फिर से इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, और यहाँ पर एक फॉरवर्ड एक्स्ट्रा आ गया तो इसको हम डिलीट कर देंगे। और हमें बस यहाँ पर एंड में एक फॉरवर्ड लगाना है। तो ये हो गया। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे एक स्क्वायर ही बन रहा है, क्योंकि ये सेट है मेन पे, मेन हमारा ये स्क्वायर का कोड है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं मेन पे क्लिक करूँगा और इसको मैं कर दूँगा करेंट फाइल। तो इससे क्या होगा, बस ये रेक्टेंगल ही प्रिंट होगा, मेन नहीं होगा। तो अब अगर मैं इसको रन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारा एक रेक्टेंगल बन गया। तो अब हमारी थर्ड शेप है ट्राइंगल, तो उसके लिए भी हम सेम प्रोसेस से यहाँ पे एक और नई फाइल बना देंगे। इसमें भी हमें यही सेम कोड चाहिए, तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और इसको ले आऊँगा मैं ट्राइंगल में। तो इसको हमें यहाँ पे एक और बार ही कॉपी करना है, यहाँ पे करा पेस्ट, यहाँ पे करा पेस्ट और यहाँ पे करा पेस्ट। ये एक मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, इसको हम कर देंगे डिलीट। तो इसके हमें यहाँ पे ये जो फॉरवर्ड है इसको डिलीट करेंगे और इसको हम कर देंगे 60 और इसको हमें करना 120। हमें फॉरवर्ड को 100 ही रखना है, मैंने गलती से चेंज कर दिया था। लेफ्ट को हमें करना है 120, हो गया। अब सेकेंड वाले लेफ्ट को भी हम कर देंगे 120। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे हमारा ट्रायंगल आधा बना है। तो इसके बाद हमें बस एक फॉरवर्ड लगाना है एंड अब अगर हम इसको रन करते हैं तो ये हो गया एकदम डन। तो हमारी अगली शेप हुई सर्कल, तो उसके लिए हम फिर से एक और
फाइल क्रिएट कर लेंगे। तो सर्कल का जो कोड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन उसमें हमें इम्पोर्ट टर्टल और ये टर्टल डॉट स्क्रीन ये तो चाहिए ही होगा। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे लूप का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, फिर यहाँ पे हम लगाएंगे ब्रैकेट्स, इसको हम कर देंगे 30, और यहाँ पे अब हम लगाएंगे ये कॉलन। और अब हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे टी डॉट फॉरवर्ड, तो ये हम कर देंगे 14। और नेक्स्ट लाइन में आएंगे तो इसको हम कर देंगे टी डॉट लेफ्ट, ये हम कर देंगे 13। तो अब हमने इतना तो कर लिया, अब हम आएंगे नेक्स्ट लाइन में और हम ये फॉर लूप से बाहर जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम लास्ट लाइन लिखेंगे टर्टल डॉट डन, और इसके आगे हमें बस ये फंक्शन साइन लगाना है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, हमारे सर्कल प्रिंट हो गए। तो गाइस इतना ही था आज की इस वाली वीडियो के लिए। आई होप आपको ये अच्छी लगी हो। इस वीडियो पे एक और पार्ट आएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं सारे नहीं बता सकता था शेप्स। तो फिर से आपको हैप्पी दिवाली, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।